विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन। आज है 13 फरवरी, यानी विश्व रेडियो दिवस। तो इसी बहाने विचार यात्रा पर थोड़ी सी चर्चा रेडियो के बारे में। यूं देखा जाए तो रेडियो से हर किसी की यादें जुड़ी हैं। अभी वो दिन बहुत दूर नहीं गए हैं जब रेडियो लोगों की दिनचर्या और उनकी संस्कृति का हिस्सा था। रिक्शे वाले की हैंडल में ट्रांजिस्टर बंधा हुआ हम में से कई लोगों ने देखा होगा। किसान जब खेतों में काम करता या मजदूर फैक्ट्रियों में अपनी हड्डियां गला रहा होता, तो रेडियो उसके मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों तक पहुंच पाने का एकमात्र साधन होता था। कारण ये कि उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, सुनकर वो सारी बातें आसानी से समझ सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सस्ता और इस्तेमाल करने में आसान था। बाजार की होड़ और तेज रफ्तार से हो रहे तकनीकी बदलाव के इस खेल में समाज के हर वर्ग की सुख सुविधाओं का ख्याल आखिर कौन और क्यों रखेगा। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं, रेडियो के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। रेडियो की खोज के बाद इसका शुरुआती दौर इस बात का गवाह रहा है कि वर्तमान मीडिया माध्यमों की तरह ही इसका भी इस्तेमाल मुख्य रूप से सरकारों और शासक वर्ग ने अपने हित में किया। भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में भी लंबे समय तक रेडियो सिर्फ सेना और सरकारों के कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाला माध्यम था और आम जन के लिए इसका इस्तेमाल अपराध की श्रेणी में आता था। आजादी आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने भी चोरी छिपे इसका इस्तेमाल करने की कोशिशें की, लेकिन अंग्रेज सरकार इसे बार बार जब्त कर लेती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जर्मनी जाकर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और कई भाषाओं में आजादी का संदेश देश की जनता तक पहुंचाया, उन्हें आजादी के लिए तैयार किया। आज भी हम देख रहे हैं कि तरीके बदले हैं, लेकिन मीडिया को अपने कब्जे में रखने और जनता को जागरूक व लामबंद हो पाने से रोकने की हर संभव कोशिश जारी है। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों और बचे खुचे स्पेस का इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना होगा। इसी समझ के साथ हमें रेडियो के अतीत और वर्तमान के बारे में भी समझ बनाकर उसके साथ तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे मेहनत कश तबके की दबाई जा रही आवाजों को ऊपर लाया जा सके, उसे बुलंदी के साथ प्रचारित प्रसारित किया जा सके। अब बात विश्व रेडियो दिवस की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी 13 फरवरी को पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस मना रहा है। रेडियो के इतिहास के बारे में बहुत संक्षेप में कहें तो 1906 में कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन द्वारा वायलिन के संगीत के प्रसारण के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, और जबकि उसके कुछ सालों बाद ही टेलीविजन और फिर इंटरनेट का आविष्कार हो गया, लेकिन फिर भी रेडियो लंबे समय तक सूचनाएं, चर्चा बहस और मनोरंजन के माध्यम के रूप में आम जन की दिनचर्या और संस्कृति का हिस्सा बना रहा। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में भी रेडियो की जरूरत खत्म नहीं हुई है, बल्कि इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट जैसी अवधारणा के साथ ये एक बार फिर से विश्व रंगमंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए तैयार है। प्रस्तुति के मामले में देखा जाए तो रेडियो का मूल स्वरूप अभी भी बरकरार है, भले ही लोग इसे रेडियो ट्रांजिस्टर की बजाय मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से सुने। आज भी इसकी लोकप्रियता का कारण यही है कि ये आवाज आधारित है, जिस कारण प्रोडक्शन यानी कार्यक्रम तैयार करने से लेकर प्रसारण और श्रोताओं द्वारा इस तक पहुंचने तक हर मामले में ये सस्ता और आसान विकल्प है, क्योंकि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद लोगों के लिए सुनना सबसे आसान विकल्प होता है। और फिर दृष्टिबाधित, निरक्षर और अन्य भाषाओं के वे लोग जो किसी भाषा को पढ़कर नहीं सुनकर आसानी से समझ सकते हैं, उनके लिए भी आवाज का माध्यम बेहतर विकल्प है। पॉडकास्ट के क्षेत्र में लोगों का बढ़ता रुझान इसी का प्रमाण है। आशा है अपनी इन विशेषताओं के कारण रेडियो की मूल अवधारणा और आवाज आधारित माध्यम की प्रासंगिकता बनी रहेगी।
तो श्रोताओं, इसी क्रम में सहकार रेडियो की भी पूरी कोशिश है कि तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके जन पक्षधरता वाले रचनात्मक कार्यक्रमों, चर्चा बहसों और सूचनाओं तक मेहनत कश आबादी और उसके संघर्षों में साथ खड़े लोगों की पहुंच आसान बनाई जा सके। हालांकि आप सभी के सहयोग सहकार के दम पर वर्तमान से काफी बेहतर करने की आशा हम खुद से करते हैं। आप हमसे जुड़े रहें सहकार रेडियो के YouTube चैनल, Facebook पेज और वेबसाइट से। WhatsApp पर जुड़कर ताजा अपडेट पाने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें और हमें सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। तो विचार यात्रा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, जनवादी और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दें। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बनें, कार्यक्रम सुनें और अन्य लोगों को भी शेयर करें तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो.com विजिट करें।